हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हाइपरबोला से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे थिंक करना है, उसके क्वेश्चन को कैसे एक मिनट के अंदर में सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सम ऑफ द बेसिक पॉइंट जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सम ऑफ द बेसिक रिजल्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो हाइपरबोला का इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ध्यान दे, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू वन। इलिप्स में यहाँ पे प्लस था, राइट, यहाँ पे ये माइनस है, तो ये हाइपरबोला हो गया। अब यहाँ पे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, इसको तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू वन भी लिख सकते थे। ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है कोऑर्डिनेट, ये बता रहा है कि इस हाइपरबोला का सेंटर जो है वो जीरो कॉमा जीरो पे है, राइट। ध्यान रहे x और y का कोफिशियंट 1 1 होना चाहिए, ये बना लेना आपको, उसमें और कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया हाइपरबोला का जिसका सेंटर 0.0 पे। इसेंट्रिसिटी जो होगी वो ऑलवेज फिक्स हो गई 1 + b² / a² वाई वाला जो स्क्वायर होगा उसके नीचे जो भी नंबर होगा वो बी स्क्वायर होगा, और एक्स वाला जो स्क्वायर होगा उसके नीचे जो भी नंबर होगा वो ए स्क्वायर होगा। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि बी ग्रेटर देन ए होगा या ए ग्रेटर देन बी, जो भी होगा बस ऐसा ही रहेगा, राइट। तो इसलिए इसेंट्रिसिटी 1 + b² / a², इसमें कोई झंझट नहीं है, राइट। और ये ध्यान रहे कि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी आपको। इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, जबकि इलिप्स की स्मॉलर देन 1 था। मैं कंपेरिजन भी कराते चल रहा हूँ तो ये ध्यान रखना है। ये इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला को मैंने ड्रॉ कर दिया जिसका फोकस ए माइनस ए वो इलिप्स में था, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है कि जो डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स की आ रही थी वो इस साइड में आ रही थी क्योंकि ई छोटा था, राइट। यहाँ पे ई बड़ा है और ए बाई डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए जो डायरेक्ट्रिक्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस वही सेम जो इलिप्स में होता था 2a अपॉन ए, लैटिस रेक्टम का 2b² अपॉन ए सेम रहेगा, वो सब रिजल्ट सेम रहेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है कि वहाँ पे सम ऑफ द फोकल कॉर्ड या फोकस जो था वो 2 times of a के बराबर आता। यहाँ पे fp डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इनटू f'p डिस्टेंस, मतलब हाइपरबोला पे कोई पॉइंट ले लो आप तो उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो CP सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस CP² + b² डेट इज़ दिस वन माइनस ए स्क्वायर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आगे मैं यूज भी करूँगा, तो ये ध्यान रखना है, राइट। अगर a = b हो जाता है यहाँ पे इस केस में तो फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा, और a = b यहाँ पुट कर दोगे तो इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फिक्स हो जाएगी, डेट इज √2। कभी कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को इस फॉर्म में भी लिखते हैं xy = some constant। तो ये इतने पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर हाइपरबोला नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपको इस टाइप से एक इक्वेशन दी गई होगी, तो आपको क्या करना है, जो x² वाले टर्म है और x वाले टर्म, इससे a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है। वैसे ही a वाले टर्म से a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है, वो हो जाएंगे कांस्टेंट टर्म उधर जाएगा, उसको डिवाइड कर करके राइट हैंड साइड में 1 बना लेना, राइट। तो इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया जा सकता है, बट अगेन जो ध्यान देना बेटा, x का कोफिशियंट 1 रखना, y का कोफिशियंट 1 रखना, राइट। तो ये जो x में से जो भी इस माइनस या प्लस करोगे वही आपका सेंटर होगा, माइनस होगा तो पॉजिटिव पॉइंट होंगे, प्लस होगा तो निगेटिव पॉइंट होंगे, राइट। तो इसलिए सेंटर यहाँ पर पूछा जाए तो अल्फा कमा बीटा हो जाएगा। इसलिए अगर मुझे पैरामेट्रिक पॉइंट लेना हो, डेट मीन्स इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, तो सेंटर जो भी होगा प्लस ए सेक थीटा, ए क्या है, यही x² / a² वाला, तो उसका ए लेना सिर्फ, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा वो बीटा सेंटर प्लस बीटा थीटा। अब आप खुद ही देख लो, अगर सेंटर जीरो है जैसे इस केस में स्टैंडर्ड हाइपरबोला में, तो अल्फा बीटा जीरो हो जाएंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x = a sec थीटा y = b tan थीटा पैरामीटर हो जाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ये रिजल्ट भी सेम है कि अगर मुझे इस हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 पॉइंट अगर है, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन अगर मुझे ड्रॉ करनी है, लिखनी हो, तो कुछ नहीं करना है, x x1, राइट, x² की जगह x² को x * x लिख सकते हैं, x ऐसे ही रह देना और इस x की जगह वो पॉइंट को पुट कर देना है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू वन। ये बिल्कुल वैसा है जैसा इलिप्स में था, ओनली यहाँ पे क्या चीज़ थी, प्लस था, राइट।
इसलिए आपको ज़्यादा रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो x बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू वन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर लाइन इस फॉर्म में, ध्यान दें इस फॉर्म में आपको लेके आना, पहले y का कोफिशियंट 1 रखना है, कुछ सम ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म आएंगे x के आगे जो स्लोप हो जाएगा और c। अगर इस फॉर्म में लाइन है तो ये लाइन अगर इस हाइपरबोला को टेंजेंट है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ये होगा। ध्यान से देखो इलिस में ए स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो ओनली चीज़ें प्लस माइनस में इंटरचेंज हो रही है, ये भी ध्यान रखना है, राइट। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए सारे पॉइंट। अब इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन से जाना है, उसका मैं कंप्लीट आइडिया देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर वन में लाइन इज नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू वन, तो क्या कंडीशन होल्ड करेगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, और ये जो कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू वन आप ध्यान से देख सकते हो, तो वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स होगा। अगर एक्स इंक्रीज करेंगे तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो कर्व बनेगा वो इस टाइप से बनेगा आपका, राइट। ये हो गया आपका रेक्टेंगल हाइपरबोला, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एजिम्प्टोड हो गए, डैट मीन्स इन्फिनाइट पे टच करेंगे, राइट। अब इस पर नॉर्मल की बात हो रही है, आप ध्यान से देखो, एकदम स्केच की तरह समझना है। नॉर्मल मतलब जो एकदम ऐसे होंगे, राइट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखो, नॉर्मल का जितना भी आपका आएगा, ध्यान से देखो, देख रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेंजेंट होगी उस पर ये परपेंडिकुलर एक लास्ट पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे जो भी टेंजेंट होगी तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे जो भी टेंजेंट आएंगी नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, एक बार नॉर्मल 90 पे जा रहा और एक बार जीरो, तो नॉर्मल का जो भी स्लोप होगा वो जीरो से 90 डिग्री के बीच में रहने वाला है, डैट मीन्स ऑलवेज स्लोप क्या आएंगे, पॉजिटिव होंगे। और ये स्लोप कब पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो माइनस बी बाई ए है, तो ये कब पॉजिटिव हो सकता है, अगर b ग्रेटर देन जीरो है तो a को स्मॉलर होना पड़ेगा तभी पॉजिटिव होगा, या फिर b स्मॉलर देन जीरो है तो a को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो राइट ऐसा एक ही ऑप्शन है, डैट इज b। देखो विदाउट कुछ किए हुए बेटा, डिफ्रेंसिएशन दिस डैट कुछ नहीं करना है, आप अच्छे से अगर डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आपको पूरे पॉइंट का आइडिया हो जाएगा, तो ऐसे थिंक करना आपको। क्वेश्चन नंबर टू में सेंटर ऑफ हाइपरबोला आपको ये गिवन है और ऑप्शन गिवन था, तो ध्यान से देखो कैसे सोचना है। आपको जो हाइपरबोला गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या है 9x² x माइनस 36x, इन दोनों को क्लब करेंगे, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखें तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 16y² माइनस में 96y, राइट, माइनस में 252 इक्वल टू जीरो। पूरा सॉल्व नहीं करना बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि माइनस है तो x माइनस समथिंग का स्क्वायर आएगा, राइट, x माइनस स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस है तो y माइनस समथिंग का स्क्वायर बनाएंगे, राइट, एडजस्ट करेंगे, तो यही सेंटर होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है तो ये सेंटर आपको प्लस वाला होगा, और यहाँ पे भी माइनस आएगा तो ये सेंटर प्लस वाला होगा, मतलब इसके जो सेंटर होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ध्यान से देखो, ऐसा एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व नहीं करना बेटा, आपको ऐसे थिंक करना पड़ेगा, ये ज़बरदस्ती ऐसे क्वेश्चन दे जाते हैं। बाय द वे, इसको करना तो आपको मालूम है, 9 आप कॉमन लेंगे तो ये x² माइनस 4x होगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, और प्लस बी स्क्वायर, तो फिर आपका 9x² और माइनस 36x ये आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होंगे उसको माइनस कर करके हम करते हैं। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसका सेंटर शुड भी कहाँ पे होना चाहिए, 2 पे, और यहाँ पे भी माइनस ही आएंगे, तो इसलिए दोनों जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन डी रहेगा, ऐसे थिंक करना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ पी थीटा लाइज ऑन हाइपरबोला और एस और एस डैश फोकस हैं, तो एसपी इंटू एसपी डैश बताना है। तो सबसे पहले तो आप एक ड्रॉ कर लें, ये इस टाइप की कंडीशन बताना चाह रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ये एक फोकस होगा एस, ये एक फोकस होगा एस डैश, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का प्रोडक्ट आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, अभी बताया था रिजल्ट, एसपी इंटू एस डैश पी किसके बराबर होगा, ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, सी पी स्क्वायर, राइट,
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई पॉइंट लेना हो तो आपको मालूम है ए सेक थीटा, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, सेंटर 0,0 और बी टेन थीटा आप ले सकते हैं, राइट। तो ये डिस्टेंस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वाला कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, राइट। वी नो कि जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है डेट इज सेक स्क्वायर थीटा। वी नो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सो योर आंसर विल बी बी। तो इस तरीके से तो सम ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट ये जो है ये बेटा आपको ध्यान में रखना, अदरवाइज बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर में इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बताना आपको। तो ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों? क्योंकि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन वन आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इन तीनों में से हो सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है, राइट। और कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो, 16x स्क्वायर माइनस 32x माइनस में 3y स्क्वायर माइनस में 12y माइनस 44 इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों में 16 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर माइनस 3 कॉमन लिया तो y स्क्वायर माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, 4y, राइट। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, वही आना चाहिए, माइनस में 44 इज इक्वल टू जीरो। अब इनसे ये अगर ध्यान से देखो तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए तो ऑलरेडी है तो इसको 1 करना पड़ेगा, तो ये 16 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, राइट। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा ध्यान से देखो, प्लस जब बी स्क्वायर करेंगे तो 16 एक्स्ट्रा आ गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 16। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान से देखो तो ये यही है, राइट। वैसे ये माइनस लिया, ये 3, इसको क्या लिख सकता मैं, वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें एक्स्ट्रा कितना आ गया, 2 स्क्वायर 4 और 3 फोर द 12, राइट। यहाँ पे ध्यान दे, माइनस में आएगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा, राइट। माइनस में 44 इज इक्वल टू जीरो। तो अब ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 16 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये सब टर्म को आप उधर ले जाओ, राइट। तो कितना जाएगा ये, 48, राइट। तो इससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे 48, यहाँ पे 48, यहाँ पे 48, तो ये 1 हो जाएंगे, इधर 1 रखना था अपने को, ये आपका 16 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यू नो इसेंट्रिसिटी क्या था, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। 1 प्लस बी स्क्वायर ध्यान से देखो कितना गया आपको, 16, और ए स्क्वायर कितना गया, 3, स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, तो कितना गया ये, रूट अंडर ऑफ 19/3, डेट इज ऑप्शन ए। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स और वाई का कोफिशेंट मैंने 1 रखा है, तो ऐसे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम को थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम आपको गिवन था, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा। तो अगेन नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करो, राइट। हाइपरबोला में टेंशन ही नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा, राइट। ट्रांसवर्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस हो जाएंगी, तो हाइपरबोला आपका इस टाइप का होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको मालूम है क्या लेंगे, 1,0, और ये क्या होता है, माइनस 1,0। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंथ ऑफ, यही हो गया आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। तो आप ध्यान से देखो कि जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, LTA मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो 2a के बराबर है, राइट। और ये कितना गिवन है ध्यान से देखो, 2a इज इक्वल टू 6, तो a कितना आना चाहिए, 3। अब चेक करो a किस में 3 आएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं 36 से यहाँ डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये 4 9 दो, और ये a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यही है, राइट। तो a इसी का 3 आ रहा है, बाकी में नहीं आएगा, ध्यान से देखो तो ये 18 हो जाएगा, ये ध्यान से देखो तो 8 आएंगे इधर, इधर 4 आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी। बस आपको थोड़ा सा आपको लेना बेटा और ऑप्शन तक पहुंच जाना, ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा एग्ज़ाम में।
क्वेश्चन नंबर सिक्स में नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एट पॉइंट टी मीट्स कर्व अगेन एट पॉइंट टी डैश, तो कौन सा रिलेशन सही है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप से हो गया, इस पर कहीं पर नॉर्मल खींचा आपने, वो एक बार और इसको कट कर रहा है, तो ये पॉइंट है आपका टी और ये टी डैश पैरामीटर फॉर्म में, राइट। तो ये पॉइंट मैं क्या ले सकता हूँ, चूँकि मेरे पास एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो अगर एक्स मैं सी टी ले रहा हूँ तो वाई मुझे क्या लेना पड़ेगा, सी स्क्वायर आना चाहिए, तो सी बाई टी लेना पड़ेगा। ये पॉइंट मैं एज्यूम कर सकता हूँ, राइट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी टी कॉमा सी बाई टी, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं वाई इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स लिख सकता हूँ, वाई डैश क्या हो जाएगा, माइनस में सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये जो स्लोप है वो किसका है, टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक्स की जगह क्या पुट करना है, सी टी, तो पुट कर दो, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो स्लोप का आपको आ चुका है टी स्क्वायर। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, वाई माइनस वाई वन सी बाई टी इज इक्वल टू स्लोप डैट इज टी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन डैट इज दिस वन। तो ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इधर टी वाई माइनस सी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टी क्यू एक्स माइनस सी टी, राइट। इसको अगर पूरा लिख दूँ तो टी वाई माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यू एक्स माइनस में सी टी की पावर फोर। तो ये मेरे को क्या आ गया, ध्यान से देखो, ये आ गया है इस नॉर्मल की इक्वेशन, और ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये पॉइंट फिर से मैं क्या ले सकता हूँ, टी डैश के फॉर्म में, सी टी डैश कॉमा सी बाई टी डैश। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, तो इसमें पुट कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, टी वाई की जगह क्या हो जाएगा, सी बाई टी डैश माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यू, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, सी टी डैश, राइट, माइनस में सी टी की पावर फोर, पुट कर दिया। तो ध्यान से देखो, सी सी सबसे निकल जाएंगे, तो बचा क्या, ये टी डैश मल्टीप्लाई कर दो, तो टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया, टी क्यू टी डैश का स्क्वायर और माइनस में टी डैश टी की पावर फोर, राइट। सबको एक साइड में अगर मैं लेके आ जाऊँ, तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी डैश माइनस में टी क्यू टी डैश का स्क्वायर प्लस में टी डैश टी की पावर फोर। अब अगर इसमें कॉमन लूँ मैं, तो ध्यान से देखो, ये तो आपका क्या हो जाएगा, टी माइनस टी डैश, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं कॉमन लेता हूँ, राइट, माइनस में, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो टी डैश आ रहा है और टी क्यू पावर ले सकते हैं, तो टी डैश और टी क्यू पावर अगर ले लिया, तो बचा क्या, इसमें ध्यान से देखो, सिर्फ आपका बचा टी डैश, और इधर क्या बच जाएगा, माइनस में टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, t माइनस टी डैश है, ये t डैश माइनस t है, तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, t माइनस टी डैश, राइट। तो ये कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, t माइनस टी डैश इंटू टी डैश टी क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट। और दोनों पॉइंट सेम तो है ना, t इज इक्वल टू टी डैश नहीं हो सकता, पॉइंट सेम नहीं है, तो इसको आपको जीरो होना पड़ेगा। तो क्या हो गया, टी डैश टी क्यू माइनस वन के बराबर होना चाहिए, डैट इज ऑप्शन बी। तो थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो ऐसे भी हम थिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में ये दो हाइपरबोला के इक्वेशन गिवन है, इसेंट्रिसिटी ई वन ई टू है, तो ये रिलेशन बताना था कितना होगा। तो ध्यान से देखो, इसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगी, तो उसका सम करना है, तो जीरो तो कभी नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 16 और 9 है, यहाँ पे 9 16 है, उल्टा हो गया, राइट। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से सुना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये इंटरचेंज हुआ है, तो एक बार बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए जो अगर मैं इवन बात करूँ, तो अगर ये इस टाइप से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई, अगर ए स्क्वायर है तो ई टू क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो ऊपर सेम रहेंगी, नीचे में क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर, इसका वन बाई करेंगे तो ये नीचे रहेंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के वन। बात समझे कैसे, क्योंकि इसको उल्टा करना और स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हट जाएंगे, तो नीचे दोनों तो सेम हो जाएंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे और ये वन हो जाएगा, तो ऐसे करना, ये नहीं कि एसेंट्रिसिटी निकाल करके आप कर लो।
क्वेश्चन नंबर 8 में फोकस ऑफ पैराबोला गिवन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा? तो यहाँ पे टेंजेंट पे मैं टारगेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस में 2x + 4, ये y इज इक्वल टू mx + c टाइप हो गया राइट, जहाँ पे स्लोप m माइनस 2 है और c आपका 4 है राइट। तो इक्वेशन क्या था, c² इज इक्वल टू a² m² माइनस में b², तो ध्यान से देखो किस में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो c² c कितना हो गया 16 आना चाहिए, a² अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो 20 से डिवाइड होगा राइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो a² कितना हो गया आपका 5 और m² स्लोप 2² तो 4 माइनस b² 4 राइट, तो ये आ रहा है 20 - 4 आ रहा है 16, डेट मीन्स यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना बेटा, ऐसा नहीं है कि पूरा उसको निकलना है, एक तरीका जो कन्वेंशनल मेथड था, चूँकि फोकस गिवन है, यू नो फोकस क्या होता है, ए डेट इज 3 है राइट, तो आप स्क्वायर कर दो तो a² कितना हो जाएगा 9 राइट, और इसेंट्रिसिटी e कितना होता है √1 + b² / a², फिर इस टाइप से करो, तो इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में करने को, आपको ऐसे थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ फोकाई ऑफ एलिप्स और जो हाइपरबोला है वो कॉन्साइट कर रहे हैं, डैट मीन्स a-e- इज इक्वल टू ae, अगर ये एलिप्स का ले रहा हूँ और ये हाइपरबोला का कॉन्साइट कर रहे हैं, एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका a यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो 4² हो गया, तो 4 और e जो हो जाएगा वो √1 - b² जो नए मालूम है बाई a² 16 ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ध्यान दो 1/25 है, तो ये 25 इधर मल्टीप्लाई होंगे तो ये 25 नीचे आ जाएगा राइट, तो ये कितना हो जाएगा 12² - 5² तो ये कितना हो गया 12/5 √1 + b² / a² तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे राइट, तो 81/144। तो अब आप ध्यान से देखो तो आप सॉल्व कर सकते हो 4 3 12 में, तो ये √1 - b² / 16 है, यहाँ पे ये 3/5, यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा 225 राइट, तो ये 15/12 आ जाएंगे आपको, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और 3 1 4 राइट, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 1 - b² / 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/16 राइट, ये कितना हो जाएगा 16 - b² / 16 इज इक्वल टू 9/16 कैंसल, तो b² कितना हो गया 16 - 9 डैट इज 7, तो b² की वैल्यू आपको पूछा था तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे d। तो इस तरीके से आपको करना है, तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको समझ में आया होगा, अगेन आई एम टेलिंग सेम पॉइंट कि मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कराने नहीं आया हूँ, मैं आपके सोचने का तरीका को चेंज करने आया हूँ, जिस दिन बेटा आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे तो आपको हर प्रॉब्लम ईजी लगेगा। थैंक यू।